चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका तो पूरी तरह से चीन को इसके लिए सबक सिखाने के मूड में है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर अमेरिका शुरुआत से ही चीन को दोषी मानता रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर दबाव बन रहा है। ट्रंप ने अब चीन से सभी तरह से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, चीन में हमने अमेरिकन पेंशन फंड में अरबों डॉलर लगाए थे, वो पैसा वापस ले लिया है। इस तरह के और भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के मामले में चीन की निष्क्रियता से वो काफी दुखी हैं। जाहिर है विश्व में इस महामारी की वजह से 3 लाख लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ अमेरिका में 80,000 लोग मरे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिसर्च वर्क की चोरी करने का भी आरोप लगाया है। कोरोना के कारण जिस तरह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है, उससे राष्ट्रपति ट्रंप बेहद खफा हैं और वो हर हाल में इसके लिए चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के मूड के अनुसार यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका चीन पर हमला भी कर सकता है। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने उसको चौतरफा घेरना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। यूएस नेवी के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन, आइजनहावर, रीगर, निमित्ज, लिंकन और यूएसएस फोर्ड प्रशांत महासागर में गश्त लगा रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से लैस ये विमान वाहक पोत चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने में सक्षम है। यही नहीं, परमाणु हथियारों से लैस कई पनडुब्बियों को भी अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। इसके लिए हवाई मार्ग से भी चीन की हर एक चाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली ड्रोन में से एक MQ-4C ट्रीटोन को भी काम पर लगाया है। इसके जरिए अमेरिका 50,000 फुट की ऊंचाई से 2,000 मील तक निगरानी रखने में सक्षम है। अमेरिका और चीन में जिस तरह से तनातनी चल रही है, उससे तो भविष्य में विश्व युद्ध तक के हालात नजर आ रहे हैं। HS न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।